हाँ भाई काम 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 और है। अरे जरा देख के थूकिए त्यागी जी। अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं, देख के तो थूका है। जरूर पता होना चाहिए कि किससे कैसे बात करते हैं। तो भाषा का पता होता तो मैं बैंक में मैनेजर होता। चलिए पहले मेरे मेरे 1:30 बज गया, लंच हो गया, तो कुछ खा पी लें, 2 बजे मिलते हैं। अरे 2 नंबर काउंटर पे जाइए। मैं चला जाऊंगा लेकिन आज हो जाएगा ना। अरे मेहता जी आ गए क्या? अभी आने वाले, आप यहाँ बैठ के वेट करिए। लाओ एक बार घर पे फोन करके बता देता हूँ कि पहुंच गए, वो भी चिंता कर रही होगी। पहुंचे? हाँ पहुंच गए, मेहता जी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी हम बोले थे कुछ खाकर जाइएगा, दवाई कैसे लेंगे, बीपी लो हो गया तो जैसा होगा मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, मैं ले लूंगा दवा। ठीक है? चलिए ठीक है, चलो रखो। के बारे में बताएंगा अब? नमस्ते। और यार बस सुबह से बैंक में बैठे यार। हाँ भाई काम 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 और है काम। आओ मिश्रा जी आओ बैठो। अरे मेहता साहब मैं बैठ तो जाऊंगा लेकिन आज मेहता साहब मेरा काम करवा दीजिए। मैं मतलब इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और देखिए आपने जितना कुछ कहा था वो मैंने मेहता साहब सब कंप्लीट कर लिया। आपने कहा था कि 26AS से काम नहीं चलेगा, फॉर्म 16A और B आपको दोनों चाहिए। मेहता साहब वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है, आधार कार्ड पैन कार्ड gmail ID सैलरी स्लिप। अब मेहता साहब आप देख लीजिए, लेकिन आज मेहता साहब मेरा काम करवा दीजिए, मैंने पूरा पेपर। अरे मिश्रा जी अब आप आए हैं तो 2 बातें होंगी, या तो आपका काम हो जाएगा जी या आपका काम नहीं होगा। अरे अरे अगर काम हो गया तो ठीक है, और अगर काम नहीं हुआ तो फिर 2 बातें होंगी। मेहता साहब आप मेरी बात, या तो आपका लोन कैंसिल हो जाएगा सर, सब खत्म, या कैंसिल होते होते बच जाएगा। अरे सर बस आप ही का सहारा है सर। अगर कैंसिल होते होते बच गया तो फिर 2 बातें होंगी जी, या तो आपको कल फिर आना पड़ेगा सर आज ही, या अब कल कैसे आओगे, कल तो संडे है। हाँ ये भी बात सही है जी, तो आज ही कर लेते हैं। अरे मेहता साहब बस आज किसी तरीके से बस मतलब स्वतंत्र कर दीजिए, मैं मतलब भर चुका हूँ इस चीज से। तो आज आप कागज तो पूरे ले आए सारे जी, ना, सब डॉक्यूमेंट है बिल्कुल, लेकिन एक और काम करना पड़ेगा जी। 2 नंबर काउंटर पे त्यागी जी बैठे जी, त्यागी जी के पास जाओ और बोलो मेहता जी ने भेजा है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, सिस्टम पर अपलोड करते हैं। तो अच्छा मैं त्यागी जी के पास मेहता साहब चला जाऊंगा, लेकिन बस एक आपसे दरखास्त है, आज मेरा काम करवा दीजिए। मैं चला जाऊंगा त्यागी जी के पास ही करवा लूंगा, लेकिन मेहता साहब आज ये मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और इस उम्र में सोचिए इतना आना जाना नहीं हो पाता। अरे मिश्रा जी चाहिए ना, मैंने बोला ना हम बैठे हैं ना, मैं समझूं आज। अरे 2 नंबर काउंटर पे जाइए। मैं चला जाऊंगा लेकिन आज हो जाएगा ना। अरे मिश्रा जी हम क्यों बैठे हैं, खाने को थोड़ी बैठे हैं, काम ही करने को बैठे हैं। अरे आप पे मुझे भरोसा है, लेकिन मेहता साहब आज बिल्कुल बिल्कुल 2 नंबर काउंटर पे जाइए। मैं करा क्या, अरे त्यागी जी ये मेहता साहब ने भेजा है। अरे जरा देख के थूकिए त्यागी जी। अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं, देख के तो थूका है, अभी ऊपर गिर जाता तो। अरे कैसे गिर जाएगा जनाब, हमने जब जब थूका है कभी निशाना नहीं चूका है, यहाँ का एक एक CCTV कैमरा हमारा गवाह है। अच्छा चलिए ठीक है, ये मेहता साहब ने भेजा है, आप जरा पेपर देख के इसे कंप्यूटर में चढ़ा दीजिए, ऐसा उन्होंने बोला है। किसने भेजा? मेहता साहब ने भेजा है। ठीक है हो जाएगा आपका काम, बार बार ठीक है। तो जल्दी त्यागी जी जरा से देख लीजिएगा कि मतलब जल्दी हो गया। ठीक है त्यागी जी हो गया मेरा काम जी जनाब, आपका काम। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे मिश्रा जी, आपको पता है सुबह से काम कर रहे हैं, है ना? अब 1:30 बज गया, लंच हो गया, तो कुछ खा पी लें, 2 बजे मिलते हैं, कर देंगे, मतलब थोड़ा कर देंगे 2 बजे, बैठो। अरे पूछते हैं कहाँ रह गए। हेलो, हुआ काम? और कितना समय लगेगा? नहीं अभी तो लंच टाइम हो गया है, अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा। तभी हम बोले थे कुछ खाकर जाइए, खाना नहीं खाया है, दवाई नहीं ली है, बीपी लो होगा तब। अरे तुमको तो पता है ना कि बैंक के काम में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतने आसानी से बैंक का काम कहाँ होता है। अब भूल गए, ठीक है हम दवा ले लेंगे। इसीलिए पता था हमें, थैले में बिस्कुट रखा है, खाइएगा दवाई लीजिएगा। ठीक है मैं ले लूंगा, ठीक है। नहीं तो उनके बिना काम नहीं होगा, और एक जो है हमारा, क्या कहते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। अरे तो मेरी बात को ध्यान से सुन ना, तुझे अरे अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे मैं आपसे पूछा तो मेरे को पानी चाहिए। अरे तेरे को मना कराना है आने से? गार्ड साहब आपको भाषा की मर्यादा नहीं पता है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किससे कैसे बात करते हैं। तो भाषा का पता होता तो मैं बैंक में मैनेजर होता। चल पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब, ये अभी लंच चल रहा है, यहाँ परेशान कर रहे। गुरु जी माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं आपको। डांट से हजारों बच्चों का भविष्य बन गया, तुम उन्हें डांट रहे हो? मैं बात करता हूँ इनसे। आप गुरु जी, आप मिश्रा सर है ना? मैं तो बेटा मिश्रा सर हूँ, लेकिन मैंने आपको अभी पहचाना नहीं। गुरु जी मैं ईशान, ईशान गुरु जी। बेटा माफ करिए, मैं अभी भी नहीं पहचान पा रहा। गुरु जी आप कैसे पहचानो? भैया 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 कुछ रहो, खूब बोलना नहीं करो। गुरु जी आप लाखों बच्चों को पढ़ाते हो, आप मुझे कहाँ पहचान पाओगे? बट मैं गुरु जी आपका स्टूडेंट है, मैंने 2018 में बैंक एग्जाम दिया था और मैं अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान था उस दौरान। सो मुझे उस टाइम पे आपकी एक बात बहुत याद आती थी, आपने कहा था लगन जो तुमसे लगा बैठा, जो होगा फिर देखा जाएगा। और मैं तो सर हिम्मत हार चुका था, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। मैं सोचा था कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला, बट मुझे एक बात आपकी हमेशा हिट करती थी। आप कहते थे कि गेम के सच्चे खिलाड़ी बनो, और एक ऐसा खिलाड़ी बनो जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतेगा कि हारेगा, बस उसे खेलना है और शिद्दत के साथ खेलना है। गुरु जी मैं खेला, मैं खेल गया गुरु जी, और मैं इस बैंक का सर मैनेजर हूँ आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बेटा बड़े गर्व की बात है कि आज तो ये पद पर हो, और ये हम सब शिक्षक के लिए एक इतने गर्व की बात है कि जब उनका सफल विद्यार्थी इस हाल में मिलता है जहाँ पे उसे दुनिया जान रही होती है। और इसी तरीके से अपने माँ बाप के साथ हम गुरुओं का भी नाम रोशन करते रहो, और ईश्वर तुम्हें सारी सफलता से नवाजे, और ईश्वर तुमको खूब तरक्की दे, और इसी तरीके से संस्कार से संपन्न रहो। आइए सर, आपका सारा काम मैं कराता हूँ। चलिए बेटा जी। दोस्तों टीचर होना सम्मान की ही नहीं अभिमान की भी बात है। सैल्यूट करता है अड्डा 24/7 उन सभी टीचर्स को जिनके स्टूडेंट्स आज समाज ही नहीं देश और दुनिया को भी बदल रहे हैं। सो थैंक यू टीचर्स एंड हैप्पी टीचर्स डे। हाय एवरीवन। सो ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको हंसाने और गुदगुदाने का था, तो कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी एक्टिंग कैसी लगी और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। तो क्या इस वीडियो में आपको 100 रन दिखे या नहीं दिखे? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।